महाराष्ट्रातून परराज्यामध्ये जाणारे मजूर किंवा महाराष्ट्रातच इतर जिल्ह्यामध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये पोहोचवण्याची व्यवस्था केली जात असल्याचं राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं आहे. त्यासाठी प्रक्रिया ठरली असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे. पाहूयात. रोल सर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनकी सूचना के अनुसार आज परराज्यों में जाने वाले लोगों के लिए जो यहाँ पर अटके हुए हैं महाराष्ट्र में, उनको जाने के लिए सहूलत दी है. 1000 के ग्रुप बना के या अपने अपने ग्रुप बना के वो ग्रुप लीडर के पास में उनका फॉर्म भर के देना है, जिसमें उनको खुद का नाम लिखना है, जिस राज्य में उनको जाना है, जहां पर उनका गांव में है वहां का एड्रेस लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उसके साथ में आधार कार्ड देना है, एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना है कि मुझे कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं. इतना सर्टिफिकेट देने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन में वो जमा करना है. फिर वो जो लिस्ट है हम उस राज्य में भेजेंगे और उस राज्य का एनओसी आने के बाद में यहाँ के लोगों को वहां भेजने की व्यवस्था की जाएगी. उसके लिए ट्रेन हम तैयार कर रहे हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम ट्रेन भेजेंगे. महाराष्ट्र के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं बसों की, तो 25-25 के ग्रुप बना के लोकल पुलिस स्टेशन में इसी फॉर्मेट में दे के हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताएंगे और उस हिसाब से ये जो आज से महाराष्ट्र के बाहर जाने वाले और महाराष्ट्र के अंदर घूमने वाले इन लोगों की व्यवस्था होगी. सिर्फ एक ही है, मुंबई MMR रीजन, पूना पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका, नागपुर, यहाँ पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ के लोगों को कहीं हिलने नहीं मिलेगा. उसके अलावा जो लोग हैं उनकी पूरी सावधानता बरस के हम उस लोगों को जाने आने का परमिशन देंगे.